रिकेश जी बताएंगे कि वैशाली नगर के जो सीट घोषित हो गई है उसके बावजूद आपने आज नामांकन लिया है। देखिए अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते ही, एक सदस्य के नाते ही मैंने भी नामांकन फॉर्म लिया है। और जब तक बी फॉर्म किसी भी प्रत्याशी का नहीं आ जाता है तब तक वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं होता है। और रही बात निश्चित रूप से इस प्रदेश में, इस जिले में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और दुर्ग जिले के कुछ नेता ये साजिश में शामिल है। डॉक्टर रमन सिंह को 65+ का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन 65+ का लक्ष्य तभी होगा जब डॉक्टर रमन सिंह खुद अपने विवेक से टिकट बांटेंगे। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस बात की स्वतंत्रता भी दी है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, स्थानीय नेता दुर्ग जिले के, जो लगातार डॉक्टर रमन सिंह को जी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष दुर्ग भिलाई शहर के जिला अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ सालाराम ढेवे जी से कि ये बताएं कि आपको क्या कैंडिडेट पसंद नहीं है इसलिए आपके संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन ने इस्तीफा दिया है, कि आप किसी एक परिवार के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। आपको आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं पहले भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ रची जा रही है, जिसका पर्दाफाश मैं 2 तारीख को नामांकन भरने के बाद करूंगा और ये सबके सामने स्थिति आ जाएगी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रदेश की जनता डॉक्टर रमन सिंह जी को चाह रही है,